नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी ललन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा मशहूर शायर कैफी आजमी का और मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर का। तो दूरदर्शन के एक प्रसारण में जिसमें कैफी आजमी और बेगम अख्तर दोनों मौजूद थे, कैफी साहब से पूछा गया कि कैफी साहब, आप तो तरक्की पसंद शायर हैं, बुनियादी तौर पर नज़मों के शायर हैं, फिर इन दिनों बहुत अरसे के बाद आपने दोबारा से गज़लें कहना क्यों शुरू कर दिया। इस पर कैफी साहब बोले कि मैंने गज़लें कहना उस वजह से शुरू किया जिस वजह से मिर्ज़ा गालिब ने मुसव्वरी सीखना, चित्रकारी सीखना शुरू किया था। अब ये किस्सा भी जान लीजिए कि गालिब ने मुसव्वरी करना क्यों शुरू किया था। तो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है, वो शेर है कि सीखे हैं माह रुखों के लिए हम मुसव्वरी, तरकीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। यानी मैंने सुंदर चेहरों के लिए चित्रकारी सीखना शुरू किया है क्योंकि उनसे मुलाकात करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो मैं चित्रकारी की वजह से, चित्रकारी की बहाने से सुंदर चेहरों के आसपास रहता हूँ, उनसे मुलाकात कर सकता हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर कहा था और कैफी आजमी ने इसका हवाला देते हुए कहा कि मैंने गज़ल कहना इसलिए शुरू किया है जिस वजह से मिर्ज़ा गालिब मुसव्वरी सीखना चाहते थे, और फिर कैफी साहब बोले मैंने गज़ल कहना इसलिए शुरू किया है ताकि मैं गज़ल यानी कि बेगम अख्तर के करीब हो जाऊं। फिर से सुनिए, कैफी साहब ने कहा कि मैंने गज़ल कहना इसलिए शुरू किया है ताकि मैं गज़ल यानी कि बेगम अख्तर के करीब हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि कैफी आजमी ने बेगम अख्तर को गज़ल का पर्याय बताया था। और दिलचस्प बात यह है कि आखिरी गज़ल बेगम अख्तर ने जो दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड की अपने इंतकाल से सिर्फ एक हफ्ता पहले, वो कैफी आजमी ही की लिखी हुई गज़ल थी। सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी हैं यहाँ किसको कौन पहचाने। और एक दिलचस्प बात ये भी कि जो सबसे पहली गज़ल कैफी आजमी ने लिखी थी 11 साल की उम्र में, वो भी इसीलिए मशहूर हुई, इसीलिए सारे ज़माने में पहुंची कि उसे बेगम अख्तर ने गा दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कैफी आजमी ने ख़ुद कही है कि उनके इब्तदाई ज़माने का सारा कलाम नष्ट हो गया, रायगा हो गया, गुम हो गया, फना हो गया, मगर ये एक गज़ल कि इसमें बेगम अख्तर ने अपनी आवाज़ के पंख लगा दिए थे, इसलिए ये सारे हिंदुस्तान में मकबूल हो गई। गज़ल थी, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सवारते गए उतने ही बल पड़े। शुक्रिया जी।